राजसंबंध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आमेट नगरपालिका के संविदा कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा कर्मचारी मौके से फरार हो गया, जिसकी अब एसीबी तलाश कर रही है। एसीबी पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि आमेट कस्बे के परिवादी ने उन्हें शिकायत दी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उसकी मां के नाम पर मकान स्वीकृत हुआ था, जिसकी पहली किश्त उन्हें मिल चुकी है, लेकिन दूसरी किश्त जारी करने के एवज में आमेट नगरपालिका के संविदा कर्मचारी उससे किश्त की आधी राशि मांगी है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया, शिकायत सही पाए जाने पर 8,000 की रिश्वत लेते संविदा कर्मचारी उमेश मेवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका सहयोगी दीपक मेवाड़ा मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में एसीबी की आमेट नगर पालिका में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। 16 मई को एसीबी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली और बाबू बलवंत सिंह राठौड़ को 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। आमेट के रहने वाले एक परिवादी ने हमारे यहाँ शिकायत की कि उनकी माताजी के नाम से प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई है, जिसकी प्रथम किस्त के रूप में 30,000 रुपये उनकी माताजी के खाते में आ गए हैं। अब नगर पालिका आमेट के संविदा कर्मी कर्मचारी उमेश मेवाड़ा और दीपक मेवाड़ा द्वारा उस प्रथम किस्त के 50% की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है, जिस पर हमारे द्वारा इनका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 8,000 रुपये उनके द्वारा लेना तय हुआ, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए दिनांक 23/5/23 को रात्रि को उमेश मेवाड़ा को 8,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दीपक मेवाड़ा की भी इसमें मिलीभगत है, तो उसके लिए भी है ना सारी जानकारी प्राप्त करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम जगह जगह जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं एसीबी के द्वारा। इसके द्वारा समय समय पर जगह जगह मीटिंग भी जनसंवाद किया जा रहा है, उसी से प्रेरित होकर लोग न शिकायत लेके हमारे पास पहुंचते हैं। तो जैसे भी नगर पालिका आमेट में ई और कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के खिलाफ हमने कुछ ही दिन पहले कार्रवाई की थी, और उससे ही लोगों का और हौसला बढ़ता है और जनसंवाद कार्यक्रम से भी लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त होती है, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोग सामने खड़े हो रहे हैं, अच्छी बात। मामले पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गौतम। गौतम, एसीबी का एक्शन देखा गया, संविदा कर्मचारी को रिश्वत लेते हाथों गिरफ्तार किया गया, साथ ही फरार चल रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी सुनीति, बिल्कुल बता देता हूँ कि राजसमंद में एसीबी की टीम ने ये दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संविदा कर्मचारी उमेश मेवाड़ा को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा फरार हो गया है। उसमें यूं हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने पहली किस्त तो दे दी थी, लेकिन दूसरी किस्त की हिस्सा राशि के लिए 8,000 की रिश्वत की मांग की थी। इस पर परिवादी ने सत्यापन करवाया था, इस पर एसीबी की टीम ने उन्हें सत्यापन किया। उसके बाद आज बीती रात्रि को वेवर महादेव रोड पर उनकी कार्रवाई की थी और एक आरोपी उमेश मेवाड़ा को गिरफ्तार किया गया और दूसरा जो सहयोगी है दीपक मेवाड़ा वो फरार हो गया है, और एसीबी की टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। और पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि पूर्व में भी 8 दिन पूर्व नगर पालिका में जो कार्रवाई की गई, जिसमें कृष्ण गोपाल माली और बलवंत सिंह राठौर को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी सुनो जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए गौतम।